हाँ तो हेलो, वेलकम टू स्टार्ट सुजीत। हाँ तो भाई, आज हम करेंगे दोस्त एक ऐसे चाइनीज प्राणी को जो पता नहीं क्या क्या बनाता है और किसके लिए बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसका नाम मुझे झाट नहीं पता, पर फिर भी हम इसकी गांड मारेंगे भानु प्रताप के साथ। तो ये वीडियो को तुमको दिखाने से पहले मैं तुमको बता दूं कि इस वीडियो को खाना खा के ही देखें, नहीं तो आपके मुंह से पानी टपक सकता है या फिर गांड से टपक सकता है। तो चेतावनी का पूर्ण रूप से पालन करें और चलिए शुरू। तो चलो इस प्राणी को चाइनीज से कोरियन बनाते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी बकचोदी के। हाँ तो भाई, ये भोसड़ी वाला आज ये बनाना सिखाएगा। हाँ ये देख लो तुम लोग। मुझे नहीं पता ये कीड़े का क्या नाम है, पर मुझे ये वाकई केकड़े का नया वर्जन लग रहा है। तो चलो देखते हैं इसको कि कैसे ये क्या क्या बनाता है। भाई पहली बात तो ये है कि जितना मिर्चा ये इस कीड़े को बनाने में लगा रहा है, साला उतने में यहाँ पूरा महीना और पूरा गांव खा ले चोर। और रही बात मिर्चे की, तो यहाँ पे एक दो खाने में गांड फट जाती है, पर इसने तो पूरा ही डाल दिया। कतई कल सुबह इसके गांड से आग निकलेगा वैन चोर। भाई देखो, इसे कहते हैं कीड़ा पकाने की निंजा टेक्निक, मतलब माही चोद दिया। साला मच्छर भी इन लोगों से खौफ में रहते होंगे, नहीं तो ऐसे मारा और खा लिया वैन चोद। क्या बात करते हैं यार, कोई भरोसा नहीं है इन चाइनीज लोगों का या कोरियन लोगों का। आई गेस शायद कोरियन, शायद चाइनीज, कोरियन चाइनीज। अरे बंचो, ये किस जानवर को मार लाए ये लोग? मालिक मुझे तो ये कुत्ता लग रहा है, वो भी बड़ा वाला। नहीं बेसाला, शेर या भालू भी हो सकता है। नहीं मालिक, शेर भालू मां नहीं चोद देता इनकी। अबे फिर सुअर होगा, वो भी टट्टी खाने वाला। क्या बोलता है विनोद? हाँ तो गाइस, तुम लोग भी बताओ कि ये कौन सा जानवर है जिसकी इस बंदे ने गांड मार ली है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ। बेंचो इनको कोई बताओ, खाने की गांड मार रहे हो अच्छी बात है, पर लौड़े की चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी भाषा इंडिया में झांट किसी को समझ में नहीं आने वाला। और एक तो वैसे भी इनकी वीडियो पे व्यू देख लो तो तुम्हारी गांड फट जाएगी। और मैं इंडिया के व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी और देश की नहीं। फीलिंग प्राउड इंडियन। चला फिर से मिर्चा डाला, वो भी किलो के भाव में। तभी मैं कहूँ इनका मुंह तीखा क्यों होता है वैंचो? कतई कोई इनकी मारता है तो ये लाल भी हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तेरी माँ की चुन साले। मालिक ये भोसड़ी वाला मुझे गाली दे रहा है, वो भी चाइनीज या कोरियन में। अरे मादरचोद, जब तुझे पता ही नहीं कि ये कौन सा भाषा बोल रहा है, तो तुझे कैसे पता कि ये गाली दे रहा है? चल भाग यहाँ से, निकल नहीं तो तेरी गांड मार दूंगा। ऐसे कौन खाने की माँ बहन करता है भाई? नहीं, मुझे कोई बताओ कि कौन से देश में ऐसे मीट बनता है जिसमें इतने सारे लौड़ लसन और ये मूली, आई गेस मूली ही है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर पॉइंट की बात ये है कि कौन से देश में ऐसे मीट बनाया जाता है, मुझे कोई बताओ। मालिक चाइना। अरे हाँ, तेरी बात सही है इस बार। लो भाई लो, जूठा भी कर दिया साला। इनके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मतलब ये तो वही बात होगी, उसी में खाओ उसी में हगो। और साला मुझे चीन पे एक शक भी है, चीन के अंदर लौड़ा लहसुन नाम का डिश ना हो। ये देखो ये है आज के इंसान। साला इंसानियत की मां चोद के रखा है इन लोगों ने। मतलब तुम लोग ही मुझे बताओ क्या फर्क रहेगा इंसान और जानवरों में। साला माना कि शेर हिरन मार के खाता है, इंसान सुअर मारने के बाद पकाता है, फिर उसमें लौड़ा लहसुन डालता है, उसके बाद जानवर की तरह खाता है। तू
एक सेकंड आप कौन से जानवर की मां चोद दिया इसने भाई? साला इसको तो जंगल द्रोही घोषित करना चाहिए, नहीं तो ये भोंसड़ी का पूरी दुनिया के जंगल के जानवरों को मार के खा जाएगा भाई। चोर छह मालिक, मुझे लगता है ये भोंसड़ी का फिर मुझे गाली दे रहा है, इसको रोको नहीं तो मैं भी गाली दूंगा। अबे भोंसड़ी का तू गया नहीं अभी तक, चल निकल माधर चो। साला मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर है, सच में नहीं लगता कि इसके अंदर है भाई। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये देखो फिर से किसी जानवर की माँ बहन को उठा लाया ये भोंसड़ी वाला। पहली बार की तरह इस बार भी मुझे नहीं पता कि ये कौन से जानवर है बहन चोद। और तुम लोगों को पता नहीं पर मुझे तो लगता है इस बार ये पहाड़ी सुअर उठा के लाया है, वो भी पहाड़ी टट्टी खाने वाला। तुम्हें क्या लगता है कॉमेंट तो हाँ भाई ये सही है, साला इसको खाना बनाना नहीं बल्कि बवासीर बनाना कहते हैं। नहीं नहीं तुम ही मुझे बताओ, मीट में मक्का गाजर और ये पता नहीं क्या है, लौंडा जैसा दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, बट कौन डालता है भाई? साला ऐसे खाना बनाने वाले को अपराधी घोषित करके अप्रचित से पिलवाना चाहिए बहन चोद। कि माँ के चुन चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? साला ये बंदा अगर हमारे देश में रहता ना तो लोग इसकी गांड फाड़ के चांद बना देते हैं। अरे भाई ये देखो साला हाथी के अंडे, अरे मेरा मतलब है कि डायनासोर के अंडे उठा लाया वैन चोद, वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान उठा लाया। धिक्कार है छे, साला इतना बड़ा अंडा मैंने अभी तक झांट नहीं देखा था और यहाँ पे बकचोदी चल रही है। देखो भाई इसको कहते हैं अंडे में लौड़ा लहसन और भोंसड़ी के इनको चाइनीज या कोरियन कह लो, सालों का नाम ही चल गया पर दिखते साले सेमिच है। दुनिया में जानवरों की कमी हो रही है और यहाँ पे पका के खाया जा रहा है अंचोद। मैं तो कह रहा हूँ इसको पकड़ो और गांड में सरे डाल के इसको ही पका दो, किस्सा खत्म कर दो इसका, क्या बोलते हो भानु प्रताप? हाँ तो गाइस आज की मधुरी ये खत्म करते हैं और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी, मजाक की तरह ही लेना। बाकी अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये बंदा चाइनीज है या कोरियन। चलो उसी समय से कंफ्यूज करके रखा है इसने वैंचो, तो जरूर बताना। बाकी मीम्स के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। विनोद जरा वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगा, इसका कंप्लेन करवा के इसकी